नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, बिकॉज कंपनी ने आज अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट के बाद देख सकते हैं इसमें लगभग 3.5% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे निफ्टी का भी माहौल थोड़ा खराब है, और निफ्टी से ज्यादा स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक में ज्यादा हालत खराब है। सो अभी चेक करेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा आया। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं आपके सामने कंपनी का रिजल्ट है, एंड हम लोग भी क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस में कंपनी का रिजल्ट को चेक करेंगे। तो जो भी नंबर यहाँ रहेगा वो आपका रहेगा मिलियन में, ये देख सकते हैं। एंड हम लोग क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है, कंपनी ने ये आज रिजल्ट अनाउंस किया है, ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। टोटल इनकम को चेक किया जाए तो देखिए 1653 का भी आया है, लास्ट ईयर था 1398 का, यानी अच्छा खासा कंपनी के सेल्स में जंप है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखिएगा तो 1445 से बढ़कर के 1653, यानी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का इनकम बढ़कर आ रहा है। अभी कंपनी का एक्सपेंस ये देखिए, कंपनी का एक्सपेंस है तो फ्रेंड, एक्सपेंस 1050 का भी है, लास्ट ईयर था 825 का, प्रीवियस क्वार्टर में था 799 का। तो फ्रेंड, एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है। उसमें खासकर जो देख सकते हैं, इसमें एक तो है सर्विस कॉस्ट 164, देन आफ्टर दैट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये सब चीज काफी बढ़कर आने के कारण जो रहता है कंपनी का एक्सपेंस अच्छा बढ़ गया। बढ़ने के कारण क्या हो गया, अब कंपनी का प्रॉफिट जो रहेगा इनकम का एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 602 का भी है, लास्ट ईयर था 572, ईयरली बेसिस में तो जंप है 572 से बढ़कर के 602 गया, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में 646 से गिर करके 602 हो गया। तो मिला जुला सा मिक्स रिजल्ट यहाँ पर हो गया, बिकॉज लास्ट ईयर से बढ़कर आ रहा है एंड प्रीवियस क्वार्टर से घटकर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 456 का भी बताया जा रहा है, लास्ट ईयर था 416, यानी कि टैक्स माइनस करने के बाद, और ये आपका प्रीवियस क्वार्टर में है। ईयरली बेसिस में जंप है, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है। अगर हम लोग ईपीएस को चेक करेंगे तो देखिए ईपीएस 0.26 का अभी है, लास्ट ईयर था 0.24, तो ईपीएस में सुधार है। ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में लास्ट क्वार्टर से गिरावट है। तो फ्रेंड, मिला जुला सा मिक्स रिजल्ट है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। चार्ट को अगर चेक कीजिएगा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है, 48 रुपीज 10 पैसा का सपोर्ट निकल कर आना आ रहा है। सो वो नहीं टूटना चाहिए, बस तब तक ठीक ठाक है, अदरवाइज फिर वहां से और फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। सो 48 रुपीज 10 पैसा के अराउंड में इसके लिए सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग इज माई ट्रिप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।